हरिद्वार को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं और इसी क्रम में श्री सतपाल महाराज आश्रम भी हरिद्वार कुंभ को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है। अब आरकेटीएफ ग्रुप और सतपाल जी महाराज आश्रम दोनों संगठन मिलकर ये अभियान चलाएंगे। 6 अप्रैल को आश्रम में एक बड़ा और भव्य आयोजन किया जा रहा है जिसमें आरकेटीएफ ग्रुप के MD सिद्धार्थ कपूर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। प्लास्टिक मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। इस वक्त हम हैं आश्रम में, सतपाल जी महाराज के आश्रम में हैं और अब हमारे साथ स्वामी जी हैं, वो इस आश्रम की देखरेख करते हैं। महाराज जी कैसे देखते हैं, एक बड़ा संकट पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए खड़ा हो गया है पॉलिथिन के रूप में और ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। प्लास्टिक सचमुच में जीवन के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए घातक है और इसे मुक्त करने के लिए एक अभियान चला रहे मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में, जिसके प्रेरणा स्रोत श्री सतपाल जी महाराज हैं, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हम एक अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ भारत पॉलीथिन मुक्त भारत। और इसके लिए हम जगह जगह इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी भारतीय है और हमारे आश्रमवासी हैं, लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में महाराज जी के शिष्य हैं, उनके लिए महाराज जी का निर्देशन है कि आप लोग कपड़े के ही थैले का प्रयोग करें। जो भी सामान लाते हैं, जो भी सामग्रियां लाते हैं, पुस्तकें लाते हैं, जो भी चीज आप लाते हैं वो पॉलीथीन के अंदर नहीं, प्लास्टिक के थैलियों के अंदर नहीं, बल्कि कपड़े के थैले के अंदर उसको लाएं। और इसके लिए महाराज जी अभियान चला रहे हैं, हम जगह जगह सफाई अभियान चला रहे हैं। और इसी संदर्भ में महाराज जी की प्रेरणा से कल इस प्रेम नगर आश्रम में जो हमारी गुरु माता परम आराध्या परम पूजा माता श्री राजराजेश्वरी जी थे, जो हमारी गुरु माता भी हैं, महाराज जी की पूज्य माता ही हैं, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल को स्वच्छ भारत और प्लास्टिक मुक्त भारत के नाम से हम एक आयोजन किए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे इस सम्मेलन में, इस समारोह में पधार रहे हैं। हमारे पूज्य श्री सुयश जी महाराज और माता मोहिना जी भी उसमें अतिथि के रूप में नहीं, मार्गदर्शक के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे, अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहेंगे और देश के अनेक प्रतिष्ठित लोग जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं वे भी आकर के अपना संबोधन देंगे। और जगजनी माता जी भी स्वच्छ भारत और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए अभियान में अपने जीवन के अंदर हमेशा अध्यात्म ज्ञान का भी प्रचार करते थे और लोगों को स्वच्छता का भी संदेश देते थे। हमारे साथ हैं आरकेडीएफ ग्रुप के MD, उनसे जानते हैं। सर, आप अभी जैसे महाराज जी ने बताया कि एक बड़ा देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए संकट है, आपने भी अभी अभियान छेड़ा हुआ है, तो कैसे देखते हैं, क्या कितना ज्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है ये, क्योंकि आप बराबर कुंभ मेले में पॉलीथिन हटाने का काम कर रहे हैं और बैग देने का काम कर रहे हैं, साथ में दोनों पत्तल बांट रहे हैं। देखिए, हरिद्वार का जो महाकुंभ है इस साल, तो उसमें सबसे बड़ा संकट यही है कि हरिद्वार में जो कचरा और जो प्लास्टिक इकट्ठा होता है, हमारी कोशिश है कि वो ना हो। उसके संदर्भ में हम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मुझे जैसे आज मुझे पता चला, इतने सालों से यहाँ पे सतपाल जी महाराज जी के आश्रम में ये बैग, जो कपड़े के बैग हैं, ये ऑलरेडी चल रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटा सा प्रयास है जो हम पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से कर रहे हैं। आरकेडीएफ ने हरिद्वार में 5 लाख कपड़े के बैग और 10 लाख पत्तल और डोने का यहाँ पे देने का कार्य किया है और यही कोशिश है कि जो प्लास्टिक एक राक्षस की तरह है जो पूरे विश्व में है, कि किसी तरीके से उसको, जो हमारी जो इको ब्रिक वाली जो हम बॉटल कहते हैं, तो एक यही संदेश है जो हम सबको देना चाहते हैं कि उस बॉटल के अंदर उस राक्षस को डालिए, ताकि अगर एक छोटा सा प्लास्टिक अगर धरती में कहीं गिरता है तो कोई जो जानवर या गाय वो उसको अगर खा लें तो कितना नुकसान हो सकता है, या धरती में और कितने नुकसान हो सकते हैं। अगर आप उसी प्लास्टिक को उस प्लास्टिक की बॉटल में अगर न भरते जाएं और उसको इको ब्रिक के माध्यम से आप इस्तेमाल करें, तो वो यूज भी होगा और हमारे विश्व में जो प्लास्टिक का जो संकट आएगा उसको भी हम बचा सकते हैं। हमारे साथ तो यहाँ विपिन यादव जी हैं और पिछले 4-5 दिन से हम बिल्कुल आपके साथ में ही हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये दानव रूपी जो संकट है ये कहीं ना कहीं हमारे देश से, हमारे प्रदेश से, हमारे गांव से, हमारे कहीं ना कहीं संसार से खत्म हो, क्योंकि ये बड़ा संकट है। वो आपकी हरिद्वार की जिम्मेदारी आपको मिली हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक है कि पॉलीथीन को हटाना है और कुंभ को सफल बनाना है,
पर्यावरण समिति हरिद्वार कुंभ 2021 के माध्यम से ये संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसके सबसे ज्यादा सफल बनाने के लिए आरकेएडएफ ग्रुप जी जो हमारे यूनिवर्सिटी का है झारखंड रांची से, उन लोगों ने धोने और पत्तल और कपड़े के थैले की अभियान चलाया हुआ है। और जिस आश्रम में हम खड़े हैं ये प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार श्री पूज्य सतपाल जी महाराज का है, इनका बहुत दिन से अभियान है। ये कपड़े का थैला में ले रखा है हाथ में, कपड़े के थैले का यूज करने की अभियान यहाँ से सदा से चलता आया है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो सकता है कि भाई पोलोथीन को हटाया जाए, कपड़े का यूज किया जाए, और ये जो कुंभ बाद में जाकर के कुंभ पहले भी होता रहा तो कचरा जो हरिद्वार में इकट्ठा होता है वो ना हो, तो विश्वविद्यालय आश्रम बहुत सा अभियान और ये जो समिति बनी है पर्यावरण की, इसका उद्देश्य है कि पोलोथीन को हटाया जाए, कपड़े का यूज किया जाए और मानव स्वास्थ्य को बचाया जाए, धरती को बचाया जाए और गौ माता को बचाया जाए, जनजीवन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि हम पोलोथीन को हटा करके कपड़े का प्रयोग करें और मानव जीवन को स्वस्थ वर्धक बनाएं और सफलता की ओर लेकर चलें। हमारा देश महाराज जी अब कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यताओं का देश है, कभी कुछ होता है तो गुरु जी कह देंगे तो हो जाएगा। गुरुओं का कितना लोग संदेश मानेंगे, जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि हम सबको कह रहे हैं कि पॉलिथिन हटाओ, बैग इस्तेमाल करो, लेकिन उस पर कम ध्यान दे रहे हैं लोग, नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब धर्म को और गुरुओं को इसमें इस मुहिम में आने की आवश्यकता है? मेरा ये मानना है कि भारत की जो संस्कृति है वो गुरु शिष्य की परंपरा पे ही चल रही है, और जब जब इस टाइप का प्रदूषण फैला समाज में तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं और जो भी साधु संत हैं उन्होंने इस काम के लिए पूरा अपना योगदान दिया। और ये बहुत अच्छी बात आपने बोला कि ये गुरुओं का और अन्य संस्थाओं का क्या रोल होना चाहिए, तो जो हमारे मंच पे जो जिसके हम आराध्य देव कहते हैं तो उनके निर्देश में जो संस्था या जो संगठन काम करता है वो निश्चित रूप में अच्छा काम होता है और उसका फल बहुत ही अच्छा होता है। आज एक सवाल छोटा सा हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, हमारा देश है मान्यताओं का देश है, गुरु और शिष्य की एक प्रगाढ़ है, गुरु ने कह दिया तो शिष्य को कुर्बान होने ही होना है, कुछ भी होना है, गुरु का आदेश शर्मा थे। तो लगता नहीं आपको कि अब आपको फौरी तौर पे नहीं काम करना है, गुरु को आदेश भी देना है? अभी तक आप उनसे कहते हो ठीक है आप ऐसा करिए, तो लगता है कि अब आदेश देने का समय आ गया है, क्योंकि अब देश बिल्कुल आप वहां जा रहा है जहां नहीं जाना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं हमारे ऋषि मुनियों का दायित्व भी बनता है और वो जिम्मेदारी संभालते भी हैं, कैसे देखते हैं सर? भारत धर्म प्रधान देश है और यहाँ गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से वैदिक काल से ही चला रहा है, और जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो इसका मार्गदर्शन करते हैं। गुरु हमेशा चरित्रवान भी होते हैं, स्वयं जीवन में अपने कर्म में जीवन में अध्यात्म को उतारते हैं और अध्यात्म का संदेश देते हैं। स्वच्छता अभियान तो आज से नहीं, प्राचीन काल से वैदिक काल से भी ऋषि मुनियों के आश्रम में भी होता था, और श्री सतपाल जी महाराज आज से नहीं 500 साल से इस अभियान में लगे हुए हैं और महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं, और जिन्हें महाराज जी ने संदेश दिया है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। जब हमारी मीटिंग होती है, जब हमारा कोई समारोह होता है, उसमें भी महाराज जी श्री सतपाल जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं हमेशा शिष्यों को कहते हैं कोई करे न करे सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में से उतारना है, तुम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करो क्योंकि प्लास्टिक कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसके द्वारा जैसे मान लीजिए यहाँ कुंभ मेले में बहुत सारे नाले जाम हो जाते हैं, जैसे बरसात के दिनों में देखेंगे दिल्ली या कोई बड़े शहर हैं इतना इसका उपयोग होने लगा है कि इसके उपयोग होने से नाले बंद हो जाते हैं, सड़कों पर पानी का जमाव हो जाता है, गाड़ियां डूब जाती हैं, अनेक तरह की खामियां होती है। तो इसलिए सबसे बढ़िया है महाराज जी अपने जीवन में पहले उतारते हैं और उसी संदेश को अपने शिष्यों को देते हैं, और करोड़ों से जो श्री सतपाल जी महाराज के हैं उसे अपनाए हुए हैं, और गुरु एक मार्गदर्शक होता है और गुरु जो संदेश देता है उसे जीवन में उतारता है। और जब जीवन में महान पुरुष कोई अच्छे काम करते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं महापुरुष जैसा कार्य करते हैं उसका ही अनुकरण सारा संसार करता है, इसलिए कृष्ण स्वयं कर्म करते हैं, और जो सच्चे महापुरुष होते हैं आध्यात्मिक महापुरुष होते हैं वो स्थित प्रज्ञ होते हैं और जीवन के अंदर सारे कर्मों के करते हुए भी वे कर्मों की वासनाओं से मुक्त रहते हैं। तो श्री सतपाल जी महाराज ने स्वयं अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश दिया है, अपने करोड़ों शिष्यों को दिया है, और उनके शिष्य हमेशा इसी मार्ग पर चल रहे हैं, और सारे संसार को भी श्री सतपाल जी महाराज का यही संदेश है कि हमारा भारत स्वच्छ हो। और स्वच्छता अभियान में महाराज जी स्वयं भी जगह जगह आप देखेंगे लाखों शिष्यों को इस अभियान में लगाए रहते हैं, और हर आश्रमों में
जहाँ सैकड़ों लोग होते हैं, वो जगहों को सफाई करते हैं, नालों की सफाई करते हैं, गंदगी को दूर करते हैं, तो महाराज इस अभियान में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि बाहर की सफाई भी चाहिए और अंदर की भी सफाई चाहिए। सबसे तो कचरा सबसे पहले हमारे अंदर है, सबसे पहले गंदगी हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो मन के अंदर गंदगियां हैं उसको अध्यात्म से दूर करना है, और बाहर का जो कचरा है उसे बाहर में कर्म करके दूर करना है। तो श्री सत्यपाल महाराज इस अभियान में लगे हुए हैं और वो हमेशा हम उनके से इस मार्ग में चलते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ थे गुरु जी और साथ में यहाँ पे सत्यपाल आश्रम के, क्योंकि हमारे तो गुरु हुए, हमारे जो हमारा संगठन है या हमारा ग्रुप है उनके तो गुरु जी हैं, क्योंकि वेशभूषा में गुरु हैं और उनकी बाणी भी बहुत है। साफ तौर पर आप कहीं ना कहीं जब भी देश पर संकट आता है तो ऋषि मुनि आगे आते हैं, चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे वो स्वच्छता का मामला हो। अब संकट बहुत बड़ा है प्रदूषण के रूप में, अब आग्रह करने की नहीं आदेश देने की जरूरत है। अगर गुरु आदेश देंगे तो जरूर उसका पालन करेंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से आरकेडीएफ ग्रुप और सारी जो एजेंसियां काम कर रही हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा प्रदेश, हमारा देश इस संकट से दूर होगा और पॉल्यूशन और पॉलिथिन मुक्त होगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अरविंद चौहान, हरिद्वार।